अब हम आ गए हैं गाड़ी के बैक साइड में, जिसमें कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपको 12 बोल्ट का चार्जर मिलेगा इसमें, एंड आपको बैक में एसी वेंट भी मिलेगा जो एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं एसी को। एंड आप देख सकते हैं बैक में आर्म रेस्ट मिलेगा विद कप होल्डर के साथ। मैं हूं शालिनी आपकी दोस्त। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मारुति सीएस, जो कि अपने आप में एक प्रीमियम कार है। ये जो कार है ये मारुति सीएस टॉप मॉडल अल्फा है 2018, जो कि ओनली 34,000 किलोमीटर चली हुई है। आइए मैं आपको कार का एक वर्कराउंड करा देती हूं। फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे। कार पे हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें सुजुकी का एक लोगो दिया हुआ है क्रोम की, बहुत ही प्यारी इसमें एक फिनिशिंग भी दी हुई है। फ्रंट की जो लाइट्स हैं वो DRL दे रखी हैं, प्लस आपको इसमें फॉग लैंप लेगा क्रोम फिनिशिंग के साथ। इसमें 16 इंच के टायर आते हैं विद अलॉय व्हील्स के साथ, जो कि ये विद अलॉय व्हील्स आपको एक टॉप मॉडल के अंदर मिलेंगे। ये ORBM दे रखा है विद इंडिकेटर के साथ। आप इसमें देख सकते हैं गेट के चारों ओर ही आपको क्रोम के हैंडल मिले हुए हैं, एंड आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, जिसमें कार की चाबी हमारे जेब में होने के बाद एक सेंसर इसमें काम करता है जो आप गेट ओपन कर सकते हैं। गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई भी डेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं है, सर्टिफाइड व्हीकल है। पीछे की लाइट देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइट है ये। एंड इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको जो टॉप मॉडल के अंदर जो न्यू शेप मॉडल है ये, इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड इंजन भी मिलता है। मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाती हूँ एक बार, जो कि 510 लीटर का है। हम लोग बैक साइड में भी देख रहे हैं कि बैक में भी इसमें क्रोम की काफी खूबसूरत एक फिनिशिंग दी हुई है, एंड बैक साइड में भी सुजुकी का एक लोगो भी है। इसमें आपको मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चारों ओर आपको मिलेगी क्रोम के हैंडल। गाड़ी को एक बार हम अंदर से देख सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जब हम कार का गेट खोलते हैं तो आपको मिलता है एक सियास का लोगो, जो आपको चारों डोर की साइड मिलेगा। आप एक बार गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्क्रैच नहीं है। ये गाड़ी डीजल कार है, डीजल कार के अंदर ही आपको DDIS की एक बैचिंग मिलती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कार का इंटीरियर, देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग पे आपको मिलते हैं कीज, जिसमें आपको वॉल्यूम मोड है, आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है स्टेयरिंग पे विद सुजुकी लोगो के साथ, जिसमें कि ये गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं वुड की फिनिशिंग भी दी हुई है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है इसमें आपको मिलेगा विद नेविगेशन। और आप देख सकते हैं इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जर भी मिलेगा, एंड ऑक्स मिलेगी, ऑक्स का पोर्ट मिलेगा आपको, लीड पोर्ट मिलेगा आपको, कप होल्डर्स भी हैं इसमें, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगी, इसके अंदर आपको सील्ड बेल्ट वार्निंग भी आपको दी जाती है, सीट बेल्ट वार्निंग भी मिलेगी, डिजिटल क्लॉक मिलेगी आपको इसमें। इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, ये एक मैनुअल कार है। डैशबोर्ड देखिएगा, डैशबोर्ड कितना नीट एंड क्लीन है इसका। ओके, अब हम आ गए हैं गाड़ी के बैक साइड में, जिसमें कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपको 12 बोल्ट का चार्जर मिलेगा इसमें, एंड आपको बैक में एसी वेंट भी मिलेगा जो एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं एसी को। एंड आप देख सकते हैं बैक में आर्म रेस्ट मिलेगा विद कप होल्डर के साथ। देख सकते हैं गाड़ी कितनी नीट एंड क्लीन है। बैक में भी इसमें बूट की फिनिशिंग दी हुई है विद लेदर के साथ। सो गाइज, आपको मैंने दिखाया गाड़ी
गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर। अब हम बात करेंगे गाड़ी की प्राइस के ऊपर। सो गाड़ी का प्राइस है 9.5 लाख रुपए, यानी कि 9,50,000। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। आगे वीडियो में बनी रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लस एक छोटा सा बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक में आपको अच्छी वीडियोस अच्छी कार के साथ आपको मिल सकूं। शोरूम का एड्रेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपको कार शोरूम का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।